दोस्तों, मनाली से कन्याकुमारी पैदल यात्रा का आज मेरा 20वां दिन। और कल रात को मैं धनतोड़ी में रुका था और यहाँ गुरुद्वारे में, तो यहाँ रूम तो नहीं था, फिर यहाँ पे मैंने अपना कैंपिंग टेंट पिंच किया था जो पीछे आपको दिख रहा है। तो अब कल रात से ही बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा बारिश रुकी हुई है, तो अब कुछ देर में मैं निकलूँगा, फ्रेश फ्रेश हो चुका हूँ। तो पिछले 3-4 दिनों से यात्रा की बात करें तो बहुत ही शानदार रहा है, और मौसम ने भी इस यात्रा के दौरान बखूबी साथ दिया है। बहुत ही सुहाना ओवरकास्ट कंडीशन रहा है, और कल तो रात को बारिश भी हुई थी, और आज गूगल का प्रिडिक्शन भी था 100% बारिश का, पर अभी हो नहीं रहा है। बादल है और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धूप है, तो चलने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद जो प्रकृति है, प्रकृति और जो खेतों में जो निखार और खूबसूरती आई है, वो कितनी मनमोहक और मनोरम है। तो धनतोड़ी से करीब करीब 10 से 10.5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत तेज हवा चल रहा है, तो भाई साहब परम सुख मिल रहा है। और चूंकि आज बहुत जल्दी कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे, तो प्लानिंग ये है कि कुछ इलाकों को आज एक्सप्लोर कर लिया जाए वहां के। तो एक ब्रह्म सरोवर दिखा रहा है, झील है, तो वहां आज कोशिश करेंगे पहुंचने का, घूमने का, दिन रहते पहुँचा जाए। यहाँ से अभी 13 किलोमीटर दिखा रहा है, तो वहीं पहले जा रहे हैं। हाईवे पर मैं आगे बढ़ रहा था, पर वहाँ दो रास्ते मिले, एक गांव से होते हुए और एक हाईवे से होते हुए। तो हाईवे वाला रास्ता यार मुझे बोरिंग लग रहा था, क्योंकि सुबह से मैं हाईवे पे ही चल रहा था, तो सोचा यार गांव से जाते हैं, क्योंकि इधर खूबसूरती शबाब पे है अभी। तो गांव से जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए आगे बस बढ़ रहे हैं। ये देखिए पीछे गाँव का दृश्य। तो अभी हम कुरुक्षेत्र पहुँच चुके हैं, मोहन नगर एक जगह है, यहाँ पे ये भैया लोग मिले, इन्होंने हमें चाय और समोसा खिलाया। आइए इन सब मिलवाते हैं आप लोग को। भैया क्या नाम है? मेरा नाम नीलेश यादव है, और मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। और क्या करते हो? मैं अभी स्पोर्ट्स मैन हूँ, हॉकी खेलता हूँ, साई हॉस्टल में। साई में। और आपका भैया नाम? मेरा नाम दीपक दिमाना भाई। आप क्या करते हो? बिल्डिंग का काम करता हूँ, बिल्डिंग मटेरियल का। आपका भैया? अजय श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र जंक्शन को अभी हमने क्रॉस किया, और यहाँ से अभी ब्रह्म सरोवर जो है वो 3.3 किलोमीटर दिखा रहा है। तो बस स्टेशन रोड पे आगे बढ़ रहे हैं, ब्रह्म सरोवर की ओर अभी हम आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक बहुत ही सुंदर मंदिर मिला, श्री दुखभंजन महादेव मंदिर। तो बहुत ही सुपर पीसफुल प्लेस है, वहाँ पे मैं गया, और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं एक सनी सरोवर है ये। तो फाइनली अभी हम ब्रह्म सरोवर पहुँच चुके हैं, और बात करें ब्रह्म सरोवर की तो बहुत ही ये ऐतिहासिक स्थल है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से इसका निर्माण किया था, और यहाँ पे सूर्य ग्रहण के दिन एक मेला भी लगता है जो बहुत ही भव्य तरीके से उसको आयोजित किया जाता है। और इस सरोवर का महाभारत काल से भी इसका जो इतिहास है उससे बहुत जुड़ाव है। इस सरोवर के परिसर में एक शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे रुक्मणी घाट, देवकी घाट, और यहाँ पे एक द्रौपदी कूप भी है, और खाटू श्याम मंदिर भी है। तो उन दोनों का महाभारत काल से बहुत ही ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। और यहाँ पे एक श्री कृष्ण भगवान का ज्ञान देते हुए जो भगवत गीता का है अर्जुन का, वो एक रथ वाला मूर्ति भी है। तो फाइनली हमें रूम मिल चुका है, एक जाट धर्मशाला करके है, जो कि ब्रह्म सरोवर से करीब करीब 500 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ पे 100 रुपये में रूम मिला। तो बहुत बढ़िया रूम है, 3-3 खाट लगा हुआ है, और बहुत सारे बेड हैं, और लॉकर भी है रखने का, और ये है यहाँ पे हम ओढ़ के बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा रूम है, 100 रुपये में और क्या ही मिल सकता है, और यहाँ पे खाना भी उपलब्ध हो जाएगा, पर हमने बाहर ही खा लिया था। तो 100 रुपये में यार खाना भी मिल रहा है, रहने का रूम भी मिल रहा है, इससे बेहतर क्या होगा। अभी कुरुक्षेत्र में कल शाम को एक अंकल जी मिले थे, और इन्होंने मेरा नंबर लिया था, और आज इन्होंने अपने घर बुलाया। तो अभी घर बुलाया इन्होंने, साथ में हमने डिनर किया, चाय पिया, और अंकल जी ने बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी बातों पे हमने तर्क किया। तो आइए अंकल जी से मिलते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम केवल कृष्ण गोयल है। हाँ जी, आप क्या करते हैं? मैं पंजाब नेशनल बैंक से सहायक महाप्रबंधक रिटायर हुआ हूँ,
रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि मैंने पहले से, बहुत पहले से 1985 में लॉ किया था, तो मैं अब लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पे। तो हम जैसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शशांक, मुझे जब आप मिले थे तो आपके हाथ में तिरंगा था और एक चप्पल पहने, ऐसे बरसात के मौसम में आप जब सड़क पे जा रहे थे, तो मुझे वो देख के ही बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने ये रुक के आपसे पूछा और आपने बताया कि मैं मनाली से लेके और कन्याकुमारी तक पूरा देश पैदल घूमूंगा और युवाओं को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करूंगा, तो मुझे ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी। और आज जो काम आप कर रहे हैं, ये देश की आवश्यकता है। आप देखें, हमारे देश में बहुत सारे, खासतौर पे आपने सुना होगा पंजाब में हमारी बहुत सारे, वैसे तो पंजाब क्या, पूरे भारत में युवाओं को नशे ने जकड़ रखा है। और इस बात की बहुत आवश्यकता है कि यदि हमारी जवानी, हमारे युवा ही यदि पथभ्रष्ट हो गया, यदि वो ही नशे की ओर बढ़ गया, तो देश का क्या होगा भविष्य, ये हम सबके लिए बड़ा विचारणीय विषय है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर आप काम कर रहे हो, आप पूरे देश का भ्रमण कर रहे हो युवाओं को जागृत करने के लिए, मुझे इस बात ने बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जिस उद्देश्य से ये इतना उदात्त, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, वो आपका सफल हो और देश के सारे युवा नशे से मुक्त हों, आपसे प्रेरणा लें। और मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ। धन्यवाद।